डेढ़ पौने दो दशक पहले मिथिलांचल के लिए 30 दिसंबर 2005 काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दरभंगा में उत्तर भारत का पहला महिला औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया था। यह धरती धन्य हो गई थी। जिस उद्देश्य से इस संस्थान का स्थापना किया गया था वह सफल भी हुआ। छात्राओं का नामांकन प्रारंभ हुआ। पूरे देश में इस संस्थान का नाम रोशन हुआ। एक संस्थान के प्रथम निदेशक तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के सहपाठी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा को इस संस्थान का प्रथम निदेशक बनाया गया था। सफलता के क्षेत्र में यह संस्थान अपना नाम भी रोशन किया। कामयाबी हासिल की, सफलता मिली, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इस संस्थान की स्थिति खराब होने लगी। व्यवस्था का अभाव, अनुभवी शिक्षकों की कमी, प्रशासनिक उदासीनता के साथ साथ जो कमिटी बनी थी इस संस्थान के उत्थान के लिए, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। संघ वित्त पोषित संस्थान है, लेकिन इसे मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया। कारण जो भी रहा हो, नियम जो भी हो, इसका विकास रुक गया। छात्राओं का नामांकन के लिए अभिभावक समय था जब इस संस्थान में नामांकन के लिए अभिभावक परेशान रहते थे, लेकिन अब वो स्थिति हो गई है कि इसमें छात्राएं नामांकन नहीं लेना चाहती हैं। करीब दो दशक होने जा रहे हैं, इस संस्थान की हालत काफ़ी खराब हो गई है। इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति SP सिंह से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, वो भी आप सुने। इन्होंने कहा कि हमारे पहले 35-36 कुलपति आए, उन्हें भी इस संस्थान पर ध्यान देना चाहिए था। अब देखना यह है कि इस संस्थान की पुरानी प्रतिष्ठा तो है, वो कैसे वापस आती है, और जो हमारे देश में इसका नाम है वो फिर नाम कैसे रोशन होता है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। डेढ़ पौने दो दशक होने जा रहे हैं WIT को खुलने का। शुरू में जैसी स्थिति थी WIT की, दिन प्रतिदिन उस स्थिति खराब हो गई है WIT की। छात्रों का रुझान अब इस तरफ नहीं हो रहा है। सर, विश्वविद्यालय अपने स्तर से कुछ कर रही है कि छात्रों का जो रुझान हो और इसकी जो प्रतिष्ठा हो वह पुनः वापस आ रहे? देखिए, कोई चीज़ जब अपने आप गिरने की तरकीब पर आती है तो वो कब गिर करके नीचे उतर जाती है तब पता लगता है उसको चलाने वालों को, कभी नीचे उतर गई। आज की तारीख में उसकी सेल्फ डिक्लेयर्ड जो अपने आप वारंटेड डेथ उसकी हो चुकी है, अपने आप जो है वो समाप्त होने की तरीक हो गया है। ये विषय चिंतन का है कि वो विषय WIT में पढ़ाए जाते हैं जो विषय आज इंजीनियरिंग के टॉप चॉइस के विषय हैं, कंप्यूटर है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये विषय वहाँ पढ़ाए जाते हैं। और IIT से लगा करके सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये विषय सबसे पहले भरते हैं, इनकी सीटें, इनका डिमांड सबसे ज़्यादा होता है। क्या कारण है कि मेरे लाख प्रयास के बावजूद भी हमने स्टेट टेस्ट में भी उसको डाला और कुल एडमिशन वहाँ पर 60वीं एडमिशन नहीं हो पाए 300 की सीट पर, तो वो चलेगा कैसे? इस पर बड़े विचार की, चिंतन की ज़रूरत है। कि हल्का फुल्का चिंतन इस पर नहीं चलेगा, छोटा मोटा बदलाव इसमें कुछ नहीं लाएगा। जब तक कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप नहीं करेंगे, जब तक कोई बात नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिए अगर उसको जाके देखेंगे तो ये विषय जो पढ़ाए जाते हैं इनका ना कोई सॉफ्टवेयर वहाँ पर है, ना कंप्यूटर उस लेवल का वहाँ पर है, ना व्यवस्था है, ना टीचर है। कौन अपनी बेटी बेटे को जाकर के बेटी को ऐसी जगह पढ़ाएगा जहाँ की एजुकेशन 20 साल पुराने सिस्टम से चल रही है? तो कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर इस पर अगर कल्याण लेना है तो व्यापक बदलाव की जरूरत है। सर, ये जो अपडेशन नहीं हुआ, इसके खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहे हैं, WIT बन के तैयार है, तो इसका कौन दोषी होगा सर? नहीं, दोषी तो हम ढूंढने नहीं आए हैं। व्यवस्था बन जाए तो अच्छी बात है। वो जो पीछे बात हुई उस पर चर्चा करके हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं। मेरे से पहले 38वें नंबर पर वाइस चांसलर के रूप में मैं हूँ दरभंगा के विश्वविद्यालय 50 साल की यात्रा में, तो 37 वाइस चांसलर थे। तो किसका दोष है किसका नहीं, मैं ये बताना मुश्किल लगता है। और वाइस चांसलर दोषी होगा ये मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो देखने के लिए माइक्रो लेवल पर एक डायरेक्टर उसका बनता रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसके बनते सर, सर WIT चलती है विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर। विश्वविद्यालय तो वो उन बातों पे चर्चा करेगा जो वहाँ की गवर्निंग बॉडी लेकर के आएगी ना, उसकी अलग गवर्निंग बॉडी है।